वो जो हम पाकिस्तान बॉल की बात करें, अगर उसके तहत पाकिस्तान यहाँ जीतता है तो फिर पाकिस्तान का बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस बूस्टर होगा अहेड ऑफ द बिग टूर्नामेंट। और खुदा ना खासा मैं भी इस चीज पर सोच भी नहीं रहा कि पाकिस्तान हारे, मैं भी पाकिस्तान को बैक करूंगा कि पाकिस्तान शुड चेज दिस डाउन। देखें वर्ल्ड क्लास बैटिंग लाइनअप है ना, हम यही बात करते हैं, यही चीज मेंटेन करते हैं कि जब आपके स्टेक्स बड़े हो जाते हैं, जब आपके टैक्स बड़े हो जाते हैं, फिर आप पर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बड़ी आ जाती है। अगर आज लोग यहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी उम्मीद लगा के बैठे हुए बाबर से, यार इतना फ्लैट विकेट है, बाबर की सेंचुरियां बनती है, तो अगर रहमानुल्लाह गुरबाज यहाँ 150 बनाता है तो फिर बाबर को भी यहाँ सेंचुरी बना के वो मैच विनिंग रोल किरदार अदा करना चाहिए अपनी टीम की जीत के हक के अंदर, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट मैच है। मैं आपको बता रहा हूँ कि ये मैच आज की इस इनिंग की प्रोसीडिंग के बाद इतना बड़ा हो चुका है कि अगर पाकिस्तान ये मैच आज अपनी बैटिंग से जीतता है तो आगे आने वाले मैचेस और आगे आने वाले टूर्नामेंट में पाकिस्तान का बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस बूस्टर होगा। लेकिन अगर खुदा ना खासा पाकिस्तान की बैटिंग अगर स्पिनर्स के सामने कोलैप्स करेगी तो ये फिर बहुत बड़ा आज नेगेटिव इंपैक्ट जाएगा पाकिस्तान के हक के अंदर। नासिर अफगानी पता नहीं क्या कहना चाह रहे हैं, नासिर अफगानी भाई ये अफगानिस्तान से लग रहे हैं, मुझे बड़े खुश है। अली भाई आज हफ्ती में नहीं बचा देगा, रिलैक्स। मैं तो कह रहा यार बाबर से नीचे कहानी नहीं जानी चाहिए, तुम क्या छठे नंबर तक चले गए हो। अली सर फ्यू मंथ्स बैक आई टोल्ड यू अफगानिस्तान कैन गिव गुड फाइट टू पाकिस्तान, यू वर सेइंग अफगानिस्तान इज नो मैच, दे आर परफॉर्म वेल इन बोथ बॉलिंग एंड, पता नहीं आप लोग मेरी बातें कौन सी उठा के मुझ पे डाल देते हो। ऐसा मैंने आपको कभी नहीं बोला कि अफगानिस्तान इज अ नो मैच, अफगानिस्तान इज ऑलवेज अ वेरी कंपेटेबल टीम एंड ऑन इट्स गिवन डे अफगानिस्तान बड़ी बड़ी टीमों को तंग कर सकती है। अरे वन कैन हैव एन ऑफ डे, डोंट बैश अननेसेसरी, जस्ट वेट फॉर अ बैटिंग आर्किंग। यार कभी आप पिछले मैच में आके कहते हो कि बैटिंग को कुछ ना बोलो, आप क्या कहते हैं बॉलिंग बॉलिंग ने मैच जितवा दिया, आज बोल रहे हो बॉलिंग को कुछ ना बोलो बैटिंग मैच जितवा देगा। अरे भैया पाकिस्तानी हम हैं, मुझे पता है हमारी कौम आसरे में रहना जानती है, हम एक आसरे से दूसरे आसरे पे जिंदा चले जाते हैं, लेकिन हम यहाँ क्रिकेट का एनालिसिस करने बैठते हैं, किसी की पीआर कैंपेन नहीं चलाते, ना किसी को गाली बक रहे हैं, ना किसी को कलामात निकाल रहे हैं, ना किसी को कोई बिलो द बेल्ट बात कर रहे हैं, ना बदतमीजी कर रहे हैं, ना चीख रहे हैं, क्रिकेट की बात कर रहे हैं जो क्रिकेट के मैदान में हुआ है। इतना तो हौसला रखिए सुनने का, इतनी इनसिक्योरिटी तो बेचारे प्लेयर को नहीं होती जितने आप लोग इनसिक्योर होते हैं उनके लिए। ये मुझे लगता है आप लोग का अपना पर्सनल कोई अंदर कोई गिल्ट फिल्ट होता है जिसको आप लोग प्लेयर के नाम पे प्लेयर का इस्तेमाल करके अपने नाम पे टिका देते हैं। तो भाई एक जगह तो डिसाइड हो जाए ना कि एक दिन बैटिंग नहीं चलेगी तो बॉलिंग नहीं चिता दी तो वाह बॉलिंग 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 बॉलिंग, तो बैटिंग के मसाइल नीचे डाल दो। भैया बड़ी टीम है ना ये, अपना ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंडिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, ये बड़े मुकाबलों में हमें सांस नहीं लेने देगी। बड़े मुकाबले में जो वर्ल्ड कप जैसे मुकाबले होते हैं ना, पिछली बार हम 2019 में मुझे लगता है इसी सोच से गए थे, वेस्ट इंडीज को आपने हल्का लिया, वेस्ट इंडीज आपने जो आपको 2019 के वर्ल्ड कप में शुरू का मैच हराया उसी की वजह से आप सेमीफाइनल इवेंचुअली ना खेला, हालांकि आपने भी 5 मैच जीते थे और इंग्लैंड ने भी 5 मैच जीते थे, लेकिन वो रन रेट पे आगे निकल गए आपसे। जो वर्ल्ड कप विनर है उसने भी आपके साथ ही ग्रुप स्टेज मैच जीते थे। तो कभी कभार ना अपने आपको हौसला देना पड़ता है या बात करनी पड़ती है और लोगों को बताना पड़ता है कि एक्चुअली मैदान में हुआ क्या। आज यही लोग सोचेंगे ना कि यार एक बॉलिंग अटैक जो 59 फॉर ऑल आउट कर रहा है आज क्या हुआ, आज तीनों फास्ट बॉलर्स को मूवमेंट नहीं मिली, आज तीनों फास्ट बॉलर्स का जो